सो हाय गाइस, एक्सप्लोर राइडर हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं हूँ थार का, मतलब थार में हूँ, एंड ये थार का टॉप एंड मॉडल है डीजल, एंड इसका एक शोरूम प्राइस है लगभग 16.5 लाख, एंड मैं हूँ श्रीरामपुर महिंद्रा शोरूम पे। सो इधर टोटल MID कंट्रोल ये है, एक मिनट मैं एक बार की ऑन कर देता हूँ, देख लो थार लिखा रहा है, एंड इधर सब जो मतलब सीट बेल्ट एंड जो मतलब इंडिकेशन होता है, एंड अभी डोर ओपन है, इसके लिए डोर ओपन का ऑप्शन दिखाया। ये है टोटल म्यूजिक सिस्टम, देख लो यहाँ से आप कॉल मतलब रिसीव एंड कॉल काट कर सकते हो। ये है टोटल होम बटन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, ये नॉर्मल एसी है। अब इधर से ब्लोअर्स का मतलब स्पीड जो है वो आप सेट कर सकते हो, इधर से आप एयर फ्लो किधर करना है वो आप सेट कर सकते हो। ये एसी ऑन ऑफ करने के लिए है, ये है मतलब कूल और हॉट एयर करने के लिए। एंड इधर आपको मिलेगा, ये है हील असिस्ट, ये है ट्रैक्शन कंट्रोल, ये है हैजर्ड के लिए, ये है एक्चुअली आई थिंक ये है पैसेंजर एयर बैग ऑन ऑफ करने के लिए ये वाला, और ये वाला है सीट बेल्ट वार्निंग ऑन ऑफ करने के लिए। सो दिस इज द थिंग। इधर आपको मिलेगा USB, मतलब USB का एक ड्राइव, ऑक्स केबल एंड 12 वोल्ट का सॉकेट। सो ये फोर व्हील ड्राइव है, इसके लिए इधर एक गियर मिलेगा आपको, देख लो 4-2। सो या एंड इधर आपको पावर विंडो का 2 स्विच मिलेगा, ये है कप होल्डर, इधर हैंडब्रेक का स्विच, इधर ग्लाव बॉक्स मिलेगा आपको, ग्लाव बॉक्स एकदम छोटा सा है। इधर महिंद्रा थार का बैच एंड मॉडल नंबर जो है, और ये 4 AC वेंट मिलेगा। एंड इधर आपको एक रूम लाइट मिलेगा, मतलब इंटीरियर लाइट, कार इंटीरियर लाइट, एंड ये है पीछे का सीट। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट महिंद्रा थार इंटीरियर। मैं एक बार बाहर से भी जाके एक बार पीछे वाला जो है मतलब सीट वो भी एक बार दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको। ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी मैंने दिखाना रहेगा, ये इधर से आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो। ये है सर्च करने के लिए, ये कॉल रिसीव, ये कॉल कट करने के लिए, इधर आप मतलब क्रूज ऑफ करने के लिए है, क्रूज का जो स्पीड है वो सेट करने के लिए है, और ये है वॉइस असिस्टेंट के लिए। सो इधर आप देख लो ये है टोटल, और इधर है आपका मतलब वाइपर के कंट्रोल, और इधर है आपका हेडलाइट के लिए कंट्रोल, और MID का जो कंट्रोल है वो इधर मिलेगा आपको। MID का कंट्रोल आप यहाँ से मतलब चेंज कर सकते हो, देखो इधर से आप चेंज हो रहा है, इधर से आप बैक कर सकते हो, देखो बैक हो रहा है। सो ये है ऑटो स्टार्ट स्टॉप करने के लिए बटन, और ये है हेडलाइट एडजस्टर के, मतलब हेडलाइट का लेवल जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। सो इधर आपको पार्किंग, मतलब ये है आपका ORVM मिलेगा, एंड ये नॉर्मल है मैनुअल डे नाइट वाला। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग थार का इंटीरियर। इधर आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, बट कोई लाइट नहीं। इधर आपको एक टिकट होल्डर का ये एंड नॉर्मल जो सनगार्ड होता है एक्चुअली सनलाइट के लिए वही है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग महिंद्रा थार का इंटीरियर। सो या आपका डिगी इधर है, मतलब बूट स्पेस, बट बूट स्पेस बहुत ही कम है, आप एक बार देख लो। सो या दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग। एंड सो अभी मैं महिंद्रा थार के एक बार पीछे में जाता हूँ, पीछे में जाके दिखाता हूँ कितना लीक स्पेस होता है क्या नहीं। सो या चलो देख लो लीक स्पेस, मतलब मोर देन इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, दो आदमी अच्छे से पीछे बैठ सकता है। लेकिन हाँ इधर कोई मतलब जो मतलब ये विंडो है विंडो ओपन नहीं होगा, बट दो आदमी के लिए एकदम मोर देन सफिशियंट है। ये देखिए हाथ मेरा इधर तक जा रहा है, मतलब दो आदमी अच्छे से बैठ सकता है, तीन आदमी नहीं होगा, बट दो आदमी अच्छे से जा सकता है, एंड उनका लेग स्पेस भी अच्छा ही मिलेगा। अब देख लो इधर जो है, मैंने अभी सीट एकदम मतलब इन तक कर दिया, ये ड्राइवर वाला सीट, अभी भी देखो लेग स्पेस इतना मिल रहा है मुझको, मैं हूँ 5 फीट 5 इंच का, तो मुझको इतना तक लेग स्पेस मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग महिंद्रा थार का इंटीरियर पार्ट। सो या थैंक यू, एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ।